और यकीन मानिए ये आसान नहीं था, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। तो इतना कुछ करने के बाद, अब आप मेरा फ्रस्ट्रेशन समझिए कि इतना कुछ करने के बाद रिजल्ट टाइम फिस। हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज एंजल सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक अगेन। मैं आज जो आपके लिए प्रोडक्ट लेकर आई हूँ वो एक्चुअली आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न और मुझे अचानक से ये प्रोडक्ट दिखाई दिया, तो मैंने कहा ये कुछ इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट लग रहा है, लेट मी सी हाउ इट इज एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, लेट्स टॉक अबाउट। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट, ओके। It is available both on Amazon and on Nykaa. As I told you before also कि Nykaa पे अभी सेल चल रहा है, 40% डिस्काउंट सेल चल रहा है, पिंक फ्राइडे सेल चल रहा है, तो येस इट इज़ अ गुड परचेज इन केस इफ यू वॉन्ट टू बाय इट। ओके, सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस प्रोडक्ट। सो ये बेसिकली टैबलेट्स हैं जो आपको इनटेक करनी है और ये टैबलेट्स का रिजल्ट जो है वो है clear and radiant skin, okay, and I'll show you how the tablet looks like from inside. This is from purecureandco.com company, okay, and talking about, yes, so ये इस तरह के format में ये कुछ tablets है जो आ रही है और ये tablets almost आपकी 30 days की tablets है, ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे खास बात ये है वो ये कि ये एक इंस्ट्रक्शन के साथ आता है जिसके अंदर आपको डोसेज गिवन है, आपको ये गिवन है कि आपको कब कब कितना कितना लेना है और इसके अंदर लिखा हुआ है 14 डेज का स्किन रेडिएंट चैलेंज, ओके। सो बेसिकली इसके अंदर ये है कि 2 वीक्स के अंदर आपकी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा ग्लो आएगा और काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रेडिएंट सा लुक आएगा आपके स्किन पर। तो इसमें 2-3 इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, यू कैन सी क्या क्या चीज़ें इसमें करने के लिए कहा गया है। सो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट लगा। एज यू कैन सी ऑनलाइन बहुत सारी जगह पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप जो टैबलेट्स के फॉर्म में है, चाहे वो वाटर सॉल्यूबल टैबलेट्स हों, चाहे वो ये हार्डकोर टैबलेट्स हों, ऐसी बहुत सारी टैबलेट्स गिवन है जिससे आप अगर इनटेक करते हैं तो आपके स्किन पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है, काफ़ी ज़्यादा ग्लो आता है। तो मुझे लगा वाई नॉट लेट मी ट्राई दिस। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये आयुर्वेदिक टैबलेट है, ये कोई भी ऐसी टैबलेट नहीं है जिसको खाने के बाद आपको साइड इफेक्ट्स का बहुत टेंशन लगा रहे। तो मुझे लगा येस व्हाई नॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये 30 डेज के फुल पैक पे आता है। सो इसमें डोसेज जो गिवन है वो ये है कि 1-2 टैबलेट्स ट्वाइस डेली बिफोर मील्स, तो यानी आधे घंटे कम से कम पहले आपको खाने से पहले इसको लेना है। और 14 डेज का चैलेंज है, सो लेट्स ट्राई 14 डेज के अंदर स्किन कितनी अच्छी हो जाती है, विल सी। एंड आई एम गोइंग टू ट्राई ऑन डेली बेसिस एंड आई एम गोइंग टू शूट ऑन डेली बेसिस हाउ द प्रोग्रेस इज, सो दैट यू अंडरस्टैंड एंड यू नो दैट वेदर यू नो इज देयर एनी काइंड ऑफ चेंज हैपनिंग इन द स्किन और नॉट। सो या फिर किस बात की देरी है, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो आइए मैं सबसे पहले आपको इस टैबलेट के बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में अच्छी बात जो है वो बात करते हैं। ये आयुर्वेदिक टैबलेट है, तो इसके अंदर किसी भी तरह के टेस्ट एनहांसर नहीं है, 100% नेचुरल है, कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई कलरिंग नहीं है और ये हर तरह से पोटेंट और नेचुरल फॉर्म में आपको मिल रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊँ तो ये 100% यू नो प्योर वेजिटेरियन है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको वेजिटेरियन अगर है तो परेशान करेगी। दूसरा
दूसरा इसके अंदर GMO नहीं है, ग्लूटेन फ्री है, डेरी फ्री है, सोया फ्री, एग्स फ्री, शेल फिश एंड नट्स फ्री है। तो ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा मुझे, क्योंकि मेरे जैसे लोग जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ करने के लिए। ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक फार्मूला से ये बनी हुई है। अब ये क्लेम करता है कि 2 हफ्ते के अंदर आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर न्यूट्रिशंस हैं और रिमार्केबल हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, रिजुविनेटिव क्वालिटीज़ है, जिसकी वजह से आपके फेस को ये क्लियर करता है प्लस आपकी स्किन को रेडिएंट बनाता है। तो मैं इसका जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 699 का है। अगर आप नायका की डील पर जाएंगे तो वहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेटली 664 का मिल जाएगा। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो एक टैबलेट आपको 11 से 12 रुपए की पड़ रही है। इज इट वर्थ द प्राइस? वेल, ये अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। ओके, सो आपको मैं पहले कुछ दिखा देती हूँ। सो दीज आर द 2 empty टैबलेट्स फ्रॉम ग्लो। ये जो भी टैबलेट थी जो मैंने मंगाई थी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें, हाँ, इसमें अभी एक सिंगल टैबलेट है जो अभी भी बची हुई है, जो मैंने आज के लिए रखा था कि मैं आज इसको खा के और आपके सामने ख़त्म करूँगी। तो देरी किस बात की है, लेट्स फिनिश इट, क्या पता इसी में सारा मैजिक हो। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द एक्चुअल रिजल्ट। सो मैं आपको एक बात बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो, ये बहुत लंबा वीडियो पेशेंस का काम, क्योंकि ये पूरी की पूरी टैबलेट ख़त्म होने में 60 डेज से ऊपर लगा मुझे। इसमें तीन ऐसे तीन ऐसे लीव्स थी और टैबलेट्स की, और जिसमें से एक मैंने फेंक दिया, ये 2 मैंने संभाल के रखा था कि मैं आपको दिखाऊंगी। तो इतनी मेहनत के बाद, इतने पेशेंस के बाद आप उम्मीद ये करते हो कि चीज़ें अच्छी होंगी और आपको रिज़ल्ट बेहतर मिलेगा। आज मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया है, नॉट इवन आईलाइनर, मैंने कुछ नहीं लगाया है। दिस इज़ माय एक्चुअल फेस, ठीक है, जो कि ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। और इस पूरे ड्यूरेशन में बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इतने सारे प्रोडक्ट्स एक साथ कैसे ट्राई करते हो। तो ओके, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स एक साथ बिल्कुल ट्राई नहीं करती हूँ। 1 product at 1 time मैं ट्राई करती हूँ। जब मैं ये टैबलेट ले रही थी तो उस दौरान मैंने कोई और दूसरे प्रोडक्ट ट्राई नहीं किए, और यकीन मानिए ये आसान नहीं था, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि जो भी मैंने वीडियोस बना के डाली हैं वो वीडियोस को फिर मुझे अपने स्केड्यूल को उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि फिर मेरे को वीडियोस पहले बनाने पड़ती हैं। बाकी सारे जो भी 7 days, 8 days, 10 days के चैलेंज जो मैं लेती हूँ वो मैं पहले लेती हूँ, ताकि ये जो ये ड्यूरेशन का जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में सिर्फ एक प्रोडक्ट 8 time पे, उसको चाहे कितना भी टाइम लगे, वो उस प्रोडक्ट के लिए ही डेडिकेटेड टाइम मेरा रहता है और किसी चीज़ के लिए नहीं रहता है। तो इतना कुछ करने के बाद, अब आप मेरा फ्रस्ट्रेशन समझिए कि इतना कुछ करने के बाद रिजल्ट टाई टाई फिस रिजल्ट इज 0 मुझे कोई स्किन के टेक्सचर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, मुझे कोई स्किन क्लियर दिखाई भी नहीं दिखाई दी, मुझे कोई चेहरे पे जो डलनेस थी वो ख़त्म होती हुई दिखाई नहीं दी, मुझे कोई रेडियंस दिखाई नहीं दिया, मुझे कोई कॉम्प्लेक्शन में फ़र्क नहीं दिखा। और तो और, अगर मेरे कहीं 2 महीने में 1-2, जैसे अभी भी मेरे यहाँ पिंपल्स आप देख रहे होंगे, 1-2 निकला हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है। एक भी अगर इसका बेनिफिट मुझे मिला होता तो मैं उस चीज़ को बोलती कि हाँ ज़रूर ये आपको ट्राई करना चाहिए। मेरे ऊपर तो इस चीज का बिल्कुल भी कोई भी असर नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई एंड फॉर मेरे पास इसको एक क्या मैं बोलूँगा, मेरे पास इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए सिर्फ एक यही चीज़ है कि हो सकता है ये हर किसी के लिए नहीं बना हो, हर किसी के बॉडी टाइप के लिए डिफरेंट हो। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर आप एक्सटर्नल कोई भी चीज़ अगर आप लगा रहे हैं, बीट क्रीम, बीट सिरम, चाहे वो DIY हो, उसका 7 days के अंदर अंदर आपको जो रिज़ल्ट है वो दिखाई देने लग जाता है। थोड़ा सा भी अगर शेड ऊपर नीचे होता है, लाइटर होता है या डार्कर होता है, तो आपको पता लग जाता है वेदर दिस इज़ एक्चुअली
यू नो सुटेबल फॉर योर स्किन टाइप और नॉट. बट दिस इट सेज कि यू नो 60 टैबलेट्स आपको ये मिल रही है और आप आप कुछ लोग कहेंगे नहीं मैडम वो आप ना स्ट्रेस का लेवल भी देखना होता है, करंट जो आप एनवायरमेंट में रह रहे हो उसका भी लेवल आपको देखना पड़ता है. तो आई डू नॉट थिंक सो कि इतनी सारी चीज़ें, ये तो सिर्फ एक कहने वाली बात हो गई कि हाँ ठीक है इसकी वजह से काम नहीं किया होगा. अगर आपके प्रोडक्ट में जान है, इफ़ इट इज़ एक्चुअली यू नो गोइंग टू वर्क फॉर यू, देन डेफिनेटली उसको 60 डेज का टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैं हर दिन इसको वन सिंगल डे वन टैबलेट मैं ले रही थी और ये मेरी शायद बहुत बड़ी गलती थी. मुझे इसको दिन में दो बार लेना चाहिए था तो मेरा एक महीने का जो टाइम गैप था वो मेरा बच जाता. बट नेवरदलेस आई हैव लर्न माय लेसन एंड सो मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा, डू नॉट वेस्ट योर हार्ड एंड मनी ऑन दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट. मुझे नहीं पता इसके रिव्यूज़ किस तरह से लोगों ने नायका पे लिखे हुए हैं और कैसे उन्होंने 3.5 या 3.8 के आसपास इसको रेटिंग दे रखी है. मैं नहीं जानती, आई डोंट नो, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जो मैं इतने पेशेंस के साथ, इतनी मेहनत के साथ आप उसको यूज़ कर रहे हो, डेडिकेटेडली आप उसके पीछे टाइम लगा रहे हो हर चीज़ को छोड़ के, और उसके बाद अगर आप ज़ीरो पे आके ही ख़त्म हो रहे हो तो ये पैसा वेस्ट, मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट. और मेरे जैसे लोग जो यूट्यूबर हैं जो एक्चुअली प्रोडक्ट्स के रिव्यू देते हैं उनके लिए तो सब कुछ ही वेस्ट. तो आई पीपल वॉट काइंड ऑफ मैंटेलिटी पीपल आर हैविंग रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड वाई कंपनी इज क्लेमिंग कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. इससे अच्छा इतने पैसे में आप वाइटामिन सी ले लीजिए, आपको वाइटामिन सी से बहुत सारे हेल्थ के बेनिफिट्स मिलेंगे और प्लस आपको कॉम्प्लेक्शन में भी फ़र्क दिखाई देगा, बजाय इसके कि आप ये ग्लो एंड रेडिएंट स्किन का जो क्लेम कर रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स आप लें. और मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा, प्लीज़ ऐसी चीज़ों से इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस मत होइए. मेरा ये काम है क्योंकि मैं इस जगह पे बैठी हूँ जहाँ पर मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता सकूँ ताकि आपका पैसा, आपका मनी, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप इन चीज़ों से बचे रहें, इसलिए मेरा काम है. तो मुझे ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, डबल एफर्ट लगा के, कई बार और ज़्यादा एफर्ट लगा के मुझे ये चीज़ें करनी पड़ती हैं. बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, प्लीज़ डू नॉट गो फॉर सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, स्पेशली टीनएजर्स. उनके बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं, DIY के लिए बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, टैबलेट्स के लिए, पिल्स के लिए बहुत सारे मैसेजेस आते हैं. मत करिए, दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से. That's why I'm just saying कि please do not waste your time. इतने में तो आप बॉडी का उबटन लेके, अगर आप 60 डेज अगर आप बॉडी उबटन लगाते हैं तो आपको उसमें फ़र्क दिखाई देने लग जाएगा. अगर आप सिरम लेते हैं तो आपकी स्किन में कुछ ना कुछ आपको चेंजेस दिखाई देंगे, क्योंकि 60 डेज का टाइम पीरियड इज नॉट अ जोक. तो उस हिसाब से तो कम्प्लीटली बिग थम्स डाउन. No. तो अगर आप नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, डल स्किन है, किसी भी टाइप के स्किन के हो, आप ट्राई करना चाहते हैं, आप अपने रिस्पे इसको ट्राई करिए. मेरी तरफ से इसको डेफिनेटली माइनस, नॉट इवन जीरो, -5 out of 5 मैं इस प्रोडक्ट को दूंगी, इतना बेकार लगा मुझे. ऑन दिस वन एंड आज मैं अब इसको ये ख़त्म ही हो गया है तो फाइनली आई एम गोइंग टू थ्रो दिस इन माई डस्टबिन एंड ये मामला गया कूड़े में. So yeah, that's it from my side for today. I hope you liked today's video. In case if you did, don't forget to give it a big fat thumbs up. Also, don't forget to subscribe to my channel. I come up with lots and lots of DIYs, lots and lots of product reviews. So yeah, consider subscribing my channel. I'll be meeting you very, very soon in the next video. Until then, please do take care of yourself and don't forget, you are beautiful. Stay beautiful and be beautiful. God bless you. Bye.